चोर क्यों जमावे पिया। रानी तेरी मैं सुरानी तेरी मैं जोर क्यों जमावे पिया। तेरी नजर में भागती हूँ तेरी नजर में भागती हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धांगी हूँ। और क्यों कहती उस समय को याद कर जब वरना नदी के ऊपर मैंने तेरे से कहा था रानी तारा और मदनावत मेरे शरीर में इतना जाथर नहीं है मेरे गढ़े को हाथ लगा दे। उस समय तो तने ये कह दिया था कि पिया जी आप भंगी के घर में ड्यूटी करते और मैं ब्राह्मण के घर में ड्यूटी करती हूँ। अगर मैंने आपके गढ़े का हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म घट जाएगा। उस समय तो ब्राह्मणी बन करके खड़ी हो गई। मिश्रानी सच साथी मिश्रानी सच साथी हर समझ रही पिया लाभ समझ रही पिया लाभ हानि तेरी मैं हानि तेरी मैं। और रात पे समझ गया सारी करने के बाद एक औरत का उसका पति ही सब कुछ होता है महाराज। और जिस दिन से मैंने आपके साथ में सात फेरे लिए थे जिस दिन से मैं आपके पीछे आई थी महाराज उस दिन से आपका साथ ही तो दे रही हूँ। अरे उस दिन से हर दुख और सुख में केवल आपके साथ ही खड़ी रही थी महाराज। और आज आज ये वक्त उन बातों का नहीं है। कहते हो कि वरना नदी के ऊपर मैंने आपका घड़ा उठाने से मना कर दिया था। हाँ, वो समय मुझे याद है जी। मेरे तन पे क्या क्या बीती होगी मेरे दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी शायद तुझे नहीं पता। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है महाराज।
मैं भी भूली नहीं हूं, मुझे भी सब याद है। मुझे वो वक्त भी याद है जिस सब के कारण, जिस सब को बचाने के कारण आपने मुझे और मेरे बेटे को काशी के बाजार के अंदर बेच दिया था। वो वक्त भी मुझे याद है और उस वक्त को मुझे याद दिला रहे हो तो मैं तुम्हें याद करवा देती हूं महाराज। अरे उस दिन भी वरना नदी के ऊपर मैंने उस घड़े को उठाने से इसलिए मना कर दिया कि जिस हरिश्चंद्र ने मुझे और मेरे बेटे को केवल एक सच के कारण, एक सच के कारण उस काशी के बाजार में बेच दिया था। अगर मैं आपके घड़े के हाथ लगा देती तो आज आपके नाम के आगे सतधारी राजा हरिश्चंद्र नहीं रहता हमारा। यानी कि उस दिन तेरा धर्म था, उस दिन तेरा धर्म तेरा आगे अड़ रहा था। केवल धर्म बचाने के लिए किया मारा। उस दिन तेरा धर्म आगे अड़ रहा था, लेकिन रानी मदनावत आज मेरा धर्म आगे अड़ रहा है। अगर मैं भी अपने मालिक से दगा करता हूँ तो वो परमेश्वर मुझे भी माफ नहीं करेगा। मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए। अरे नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया। अरे वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। सवा रुपए का कफन तो नहीं है, लेकिन सवा रुपए के बदले में और कफन के बदले में कुछ चीज मैं आपको दे सकती हूँ महाराज। क्या? सवा रुपए के बदले में हाँ? मेरे गल की जो कंठी है, जो औरत के सुहाग की निशानी होती है, जो औरत केवल इस निशानी को जब उतार सकती है जब उसका पति इस दुनिया में ना हो महाराज। मंगलसूत्र। लेकिन आज आज इस कंठी को भी मैं आपको देती हूँ और इस कफन के बदले में मेरा ये चीर ले जाइए महाराज। इसके अलावा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। अगर हो सके, हो सके तो इन दोनों चीजों को स्वीकार करिए महाराज और अपने पिता की, अपने इस बेटे की, एक पिता का धर्म निभाइए
और अपने बेटे की चिता में दाह संस्कार किए महाराज, कि जितनी बातों को बढ़ाओगे उतनी ही बातें ये बढ़ेंगी। इसमें ना आपको कुछ मिलने का है ना मुझे कुछ मिलने का है। रानी तारा, परम पिता परमात्मा ऐसा दुख किसी को ना दे जैसा दुख हमारे साथ में बीत रहा है। लेकिन तारा तुम्हें 125 मुर्दे का कफन मुझे देना होगा। दूंगी महाराज, कैसे जलाओ कुल की। अरे निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। अरे बात पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया जानी तेरी मैं, तेरी मैं। आज कहते हो कि ये जो भी कुछ है मेरी वजह से हुआ है, ये पुत्र मरा है तो क्या मेरी वजह से हुआ है महाराज? अरे अपनी तरफ भी झांक कर देखिए कि आपने क्या किया है हमारे साथ। रानी तारा, इन विपत्तियों की गणना कहाँ तक की जाएगी? हाँ मालिक, एक घंटे से ज्यादा बात हो गई है, मैं पूछना चाहता हूं ये किसका कर है। यदि तुझे मेरे इस दरवाजे पे रुकना है तो ये सच सच बता और ये अपना ये डांट मालिक, और मुझे सच्ची सच्ची सारी बात खोल करके बता। इस दरवाजे में से आज तुझे धक्के मार करके निकाल दूंगा। मालिक मुझसे नहीं कहा जाता। सच बता, तू कौन है? वो दुखियारी कौन थी? किसका वो बेटा था? किसका चीर लेकर के आया है? मालिक अगर ना पूछो तो ठीक रहेगा, मेरे से नहीं बताया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, लाल किसी का मरा है लेकिन चिता में जड़ के तू क्यों मरना चाहता था? मालिक मेरे से नहीं बताया जाएगा। झूठ मत बोल, सच सच बता, अन्यथा मेरे दरवाजे से आज तेरा दाना पानी भी छटने वाला है। और सच बता, उसका चीर था ये? सुनना चाहता है? सुनना चाहता हूँ। ये चीर किसका है? वो अबला कौन थी? वो मरने वाला लड़का कौन था? और मैं कौन हूं मेरे मालिक? पूछना चाहता हूं। सुनिए, श्री गुरु की मेहर लक्ष्मी, श्री गुरु की मेहर लक्ष्मी, ज्ञान घुट गया जिसकी छा में बैठू था, जिसकी छा में बैठू था वो रुख टूट गया, जिसकी छा में बैठू था वो रुख टूट गया। अरे दुखियारी का एक बेटा नाग छूट गया, नाम से नाम
से हरिश्चंद्र मेरा, नाम से हरिश्चंद्र मेरा, और भांडा फूट गया। ओ मेरा आलिया भक्ति अखीर उसका लिया तार कचीर, मेरा आलिया भक्त अखीर उसका लिया तार कचीर, रवाती मुझ दुखिया की पीर में सुन उसका आप सभी की। एक और सुना दियो सगाई सुगाई कोई, क्यों जैसे भाई धोखा करने वाले के साथ धोखा करनी बुरी बात नहीं होती, इसी तरह भाई एक जमींदार के एक छोरी, अरे यो छोरी एक आंख तक कानी, अरे यो अगलो धनी सारे दिन ताश बजावा, अगला न्यू नी बेरा हो के रहा है, घरवाली चातर ज्यादा थी, सियाणी ज्यादा थी, ने बोली ओ सारे दिन इन ताशा ने बजावा है, छोरी को रिश्तो नहीं करना, बोलो तेरे कानी को रिश्तो कौन ले है। जब अनु बोली छोरी से कहानी हो जाए, लंगड़ी हो जाए, हाथ टूट जाए, पर बेटी तो कहीं की घर नहीं रहा करे, तू जा इसका रिश्ता कर का। यो रिश्ता कर गया, भोला ही आदमी था, इतना चातर नहीं था, घरवाली घनी चातर थी। यो गया जाकर के एक ठाटे जमींदार ने कोई बढ़िया महल मकान बना रखा, जाकर राम राम करी, जी राम राम। वो ने बोला जी राम राम, अग साहब रिश्ता करना था। वो गए लीलू पूछ बेटा भाई पता तेरी छोरी कहीं पड़ी ओड़ी है, उन्होंने बोलो जी 5-7 क्लास पड़ी पड़ी है, काम बोलो गोबर बुहारी कौशन बासन सब कर ले, पर भाई छोरी मारी एक आंख तक कहानी है, बता दी बेचारे ने। वो अगला धनी कूद के बड़े ने बोले जा बावली पूछ का बच्चा, छोरा ने LLB कर रहा है, तेरी कहानी के क्यों ब्याह करांगा भाई। वो घर आके आते ही घरवाली ने पूछी करिया रिश्ता, नु बोला मैं नाटक तो कहानी के रिश्ता ने कोई नहीं ले, यो तो ज्यादा सियाणी थी ने बोली हरिश्चंद्र रिश्ता बाड़ी में थोड़ी बहुत झूठ चाल लिया करा, अगला के जाके कहानी का जिक्र नहीं क्यों करा करा, नो ही कर दे। अरे सच्चाई भी है माजी, रिश्ता बाड़ी में झूठ चाल ले, पर इतनी चाल ले कि भाई जितना आटा में नमक है, ज्यादा नहीं, कहीं के 10 बीघा जमीन है तो भाई 12 बता दे इतनी तो चल जाए, और जाके है 2 बीघा और 12 बताओगे तो उसको बिगड़ेगा ना। और उसके बाद समझ में बैठ गया, एक दिन फिर धोती धरी कंधा पर गया, जाके देखे लंबा चौड़ा जमींदार अगला का ट्रैक्टर खड़ा, एरो खड़ा के थ्रेसर खड़े, और भाई ढोर बांध रखा कम से कम 20, ओने जा राम राम करी जी राम राम। अगला धनी भी संसार का आखिरी आदमी था, लंबा हाथ जोड़ कर बोला जी राम राम जी, आओ जी बैठो, और खाट बिछा दे नींबू को पानी कई तरह की सलाद, अगलो राजी हो गो, बोला जी बताओ, न बोला यार रिश्ता करना था, कोई बालक नहीं है, न बोलो मार ही रहे हो छोरो, हाँ तूने बोलो भाई मैं छोरा ने दिखा। ओ गया छोरा खाट पे सो रहा था नीम के तले, ओ श्यान सिकल का बहुत सुतरा छोरा सो बैठा, इसने हिसाब लगाया तू इसने जगावेगा, दो बात पूछेगा, फिर यो तेरी छोरी की पूछेगा। हाँ बोलो साहब बहुत जोर को बहुत बढ़िया काम, और भाई बोलो मालिक रखे टेक, सूते सूते का हाथ पे रुपया धर दिया, हाँ यो 1 रुपये सगाई वाला चलायो तो, और रिश्ता करके घर आ गया। अगला ने ना पूछी गोतनाथ की भी, आते घरवाली ने बोली करिया या ने बोलो हो बहुत जोर को काम है भगवान अब टेक रखे को अपनी, और भाई वो तारीख दर्दीर माजी बरात सज के आ गई, और वो छोरे के बाप ने बड़ी सारी नौली सिमवा रखी, उसमें खुल्ला रुपया भर रहा का कम से कम 5-5 हजार, और दोनों उनसे सवासनाए ताई दे दिया फूफार तक थम फेंकी जाइयो, इनने सब रुपया ने लूटेगा कौन देखे छोरा ने, और वो बात भर कर घोड़ी पे बिठाया छोरा, जना जना बाजा बाज रहा किसी धूल गोला और बम चल रहा और बैंड बाजा बाज रहा, ये छोरी की माँ किसी काम से छत पे चढ़ गई, इसने देखी यार ये छोरा वाला तो बहुत घना रुपया वाला है, तेरा दरवाजा तक आओगे फिर ना कितना रुपया को सत्यानाश कर देगा, और जब नू पता चलेगा छोरी एक आंख तक कानी है तो बिहार बिगड़ेगा। पहले ये हमारी दादी यार बैठी बहुत सुतरा भजन गाया करती, गाने में तुक जोड़ न जाना करती, गाने में ही समझा दिया करती अगले ने बात नू है, आजकल की दादियां की तरह ना से, आजकल की दादी हो रहा पोता को हो रो ब्याह न कहेगी भाई डीजे वाला वो गाना लगा आज मेरे यार की शादी है, मगो तो पोतो लागे यार की तो तेरा साथ का तो बड़ पीपड़ भी ना बचा, ऐसा गाना सुनती लेकिन पहले नहीं सुनती थी। अब वो उसने क्या काम करा,
वो गाना गा दिया, गाने में समझान लगी उस चौधरी ने, मानजनी बहुत भारी काम हो जाएगा। क्या कह रही थी सुनिएगा, क्यों कहने लगी वो सब थी मत ना जाता फेंक, रुपया का जिक्र था, इन्हें डांट ले डाल ले, वो सब थी मत ना जाता फेंक, मारी तो एक आंख ते देख रो वो के मुंडा पकड़ के ले ले जाओगे सब जाके, रो वो के मुंडा पकड़ के ले जाओगे सब जाके, दादा क्या फेंके मारी तो एक आंख ते देख रो वो के मुंडा पकड़ के ले जाओगे सब जाके, रो वो के समझ गया मूड ने पकड़ के बैठ गया कि भाई एक आंख की छोरी है, कहानी धोखा कर दिया। फिर उसने हिसाब लगाया कि भाई जब इन्हें अपनी बता दी तो फिर तू अपनी ने क्यों छिपावा, के काम करे मैं चौधरी ने दो मुठ्ठा फेर भरा रुपया का, आओ जहर दे सी फेंक के भरा नाच के निवला चौधरी ने सुन, ओ चौधरी के पैसा की बात मारा ने दिन दी कहना चल रहन दे तभी तबारी बात के चौधरन ऐड देसी गोटा ने तोड़ के हवेली पे बैठ गई, नपूतन सूरदास धर्रा को घोड़ी पे, क्यों इन्हें कौन सी आंख खुलवा के देखी थी, आन दो छोरो थो वो, इसलिए काका ठीक रहा कर तू, हेलो एक ताली बजाओ खातर जोरदार। आइए एक बड़ा सुंदर सा लोक नृत्य आपके बीच में रखेंगे, अच्छा वो भी सुना दे गेल गेल, पर यार सामने ये चुटकला का पैसा कम दे हम यार, और बाल का के मारे पत्थर पत्थर देव कर रखा उसने। अरे ये सच्चाई भी से भाई एक भजन में लिखा था, अगर कर्मों के दंड पड़े भोगने कर्मों के संतान मिले, लक्ष्मी चंद भगवान मिले, जैसे दूध बीच में जल मिल जा, मानव तू कर्म करे जा कर्म करेगा फल मिल जा, कर्मों के संतान मिलती है पर अरे सच्चाई है, जे माता बहन के बालक नहीं सर कोई सियाणो पोपो नु कह देना कि 12 बजे से जाके शमशान में जोत करनी है दीप लो चसाणो है, तो वो चसावेगी बेचारी है ना, क्योंकि संतान की भूख ऐसी रहती है, कुमार के बालक नहीं, बालक के मारे पत्थर पत्थर देव कर रखा है, एक दिन भीड़ के अपना मैं कदानर काम पे जावे था, और जब स्कूल का कना पे लिकड़िया और मास्टर ने पटा ले रहा कर वे छोरा में लग रहा देन, ने बोला आराम खोर होमवर्क नहीं करके लाता है, अरे गधे से इंसान बना दिया पर अकल नहीं है, और कुमार के बात बैठ गई समझ में, यो वो स्थान है जहाँ गधा को बालक बने, वो तो कहावत ही कह रहा था गधे से इंसान बना दिया, पर मैं बैठ गई समझ में, और वो सुबह पहले लेके गधा ने स्कूल में, हे बोला गुरु जी थारी जय हो, भगवान थारो भलो करेगा गुरु जी, मेरा है गधा को एक बालक बना दो, बोला ऐसा थोड़ी होता है यार, मास्टर जी ने बोला ऐसा थोड़ी होता है, बोला ना हम थोड़ी देर पहले कह रहा था गुरु जी मान जाओ, गुरु जी की पिंडी पकड़ ली पाँव पकड़ लिया छोटे नहीं, गुरु जी ने जानी भाई बोलो कुम्हार है, ने बोला जा भाई छोड़ जा और आज ही 5-7 दिन में, यो छोड़ के गधा ने घर आ गया, गधा तो आजाद होगा, गधो तो अपने गयो हरिद्वार नहान खातर, वहां क्यों डटे तो, और 5-7 दिन का दे के जमेड़ा और भगत जी आ लिया, सुबेरे 7 बजे स्कूल की घंटी बाजी जाए, पहली भगत जी आके ने बोला गुरु जी थारी जय हो, गुरु जी ने देखी भाई ऐसी तैसी होगी, हाँ गधा का पैसा देना पड़ेगा, गुरु जी मतलब 52 बुद्धि रहे ना गैली समझ गो गुरु जी तो, हाँ ने बोलो गुरु जी मेरे वो बालक, ने बोलो सुन भाई भगत जी तेरो पढ़ा दियो लिखा दियो और गधा से इंसान बना दियो, और इंसान बना के खुसकेड़ा का थाना में थानेदार लगा दियो, कभी भी मिल सका जाके अपना तो, भगत जी चौड़ कर होगो तू तो भाई थानेदार को बाप है ना, तूने कौन के कहेगो, अरे यो गया सीधा खुसकेड़े थाना में, देखिया भाई थानेदार कुर्सी पे बैठा, दो हौलदार खड़िया, इसने जानी भाई पिछाने के नहीं पिछाने, के काम करे रास्ता में से थोड़ी सी हरी हरी घास पाड़ ली दूब, और वह घास ने लेकर नू करे थानेदार का नहीं ले आ आ नू करे ले आ आ नू करे, और थानेदार बोला राम सिंह, ने बोला जी जनाब, ने बोला बुला के लिया उरे उरे बुला के लिया, ओ गया ने बोला बाबा तूने थानेदार बुलावे, ने बोला भाई सड़न पिछाण तो लियो, मैं जानू पिछाने के नहीं पिछाने, ओ जाके थानेदार ने बोला बाबा ये क्या कर रहा था घास लेके ले आ क्या कर रहा था ये, है ने बोला अच्छा पिछाड़ नो भी भूल गो,
और थानेदार में इतनी गुंजाइश थी खड़ा होकर लात मारी में भगत जी ने। लात मारते भगत जी मौत मुंह पड़िया और वो झड़का कर बोलिया, जा साला तू पढ़ायो लिखायो गधा से इंसान बनाए पर लात मारो आज भी नहीं भूलूंगा। ये भगत जी की बात है, ये चुटकला था। एक एक गुरु जी को और सुन ले, सोनू गैल की गैल गुरु जी ने पकड़ के राखी वही। ये चुटकला जो होता है इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। अभी खत्म कहा हुई इतना और बच रही भी तो ना डांस ना, पहले चुटकला ही सुनो। जीवन में भाई जो घटना घट जाती है उसको चुटकला कह देते हैं हम लोग, है ना। चुटकला की कोई फैक्ट्री थोड़ी होती है। अब ये जो सोनू भाई लॉकडाउन का सा काम नहीं चल रहा था, सब कुछ बंद हो गया, ये सच्चाई है। लॉकडाउन में पता चल गया दादी अपना कौन है पराया कौन है। घनी वीरवाणी तो दादी ऐसी थी लॉकडाउन में जिनके करोना होगा अपना आदमी ने भी चिमटा तो रोटी दिया करती ले, हाँ नो पकड़ाया करती दूर से मको भाई बहुत जोर को प्रेम थारो। फिर मैं आया आके मको यार भाई दिक्कत होगी क्यों, प्रोग्राम वगैरह भी बंद हो गए, सब कलाकारों के हो गए थे हमारे थोड़ी। मैं गया पंडित जी महाराज के, मको पंडित जी महाराज की मैं राह बताओ नहीं मरण ने जी करे न, बोलो क्या बात होगी। अरे मको काका प्रोग्राम बंद होगा कुछ तो यतन बता के काम धंधा करे। और पंडित जी ने कोई बात बताई नहीं, बोलो भाई ऐने कर दे काम तेरे घूस उतरो चाले को। मैं भाई सीधा गुरु जी कर मको यार गुरु जी थमने जिमा दू आज। अरे बोलो यो तो भाई सोना सुहाग हो जाएगा जिमा दे मको, तो फिर चलो के चलो गो। बोलो भाई हम तो पूजा होटल पे जाए करे टपूकड़े मको ठीक है। न बोलो भाई फिर तेरी गुरु माता तीन बालक हो रहे मको पूरा कुड़वा को चूल्हा नोत है सब आ जाओ। ये सच्चाई सुन रहे हैं आप। अरे भाई ये पांचों जना रहे होटल पे मको गुरु जी के लेगा। न बोलो भाई हम तो पालक पनीर ले वहां मको अच्छो और मटर पनीर मिक्स वेज और बेसन वाली रोटी ने अच्छो मको गुरु जी फ्रूट राय तो मको भाई सारी चीज हाँ मिक्स ही रोटी आण दे वैसे तो रोज घर ही ना खा रहा और सब तरह की करके मौज मको गुरु जी और नोले यार एक कुल्फी और दिवा दे बाल का दे दे भाई दे दे 1257 रुपया को बिल आया तो देते हम घनी बड़ी बात थी मेरे खातर। फिर खा पी के नोले यार तू नू बता रे तू कहीं का हाथ पर थूका भी ना बुखार कोई तेरे से मांगो मांग ले तो बुखार ध्याना पर जिमा क्यों दिया आज मको भाई गुरु जी मारोगा नहीं हाँ नोलो भाई नहीं मारेंगे मको गुरु जी मैं गयो मैं पंडित जी महाराज का मको दादा कि मैं यतन बताओ नहीं मरण ने जी करे काम धंधा बंद हो गया। वो नो बोलो भाई यतन यो ही है पांच कमीन जिमा दे तेरे खूब काम चलेगो। मको गुरु जी मेरी नजर में थार से बड़ो कोई कमीन थोन बात ने गुरु जी ना कवालो जो मानो नहीं तो है ना तो भाई वो चुटकलो वायरल सो हो फिर है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दे आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए भाई आज के कार्यक्रम के क्योंकि चिंतन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है की है। जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं जिनको बाबा ने तो हाथ बक्से मीठी मीठी ताली बजा करके अपने अपने जिब्या को पवित्र करते हुए आप सभी गा दीजिए क्या। कीर्तन की है कीर्तन की है और कितने प्रकार हमसे निकल गया।
बिठाने का काम आप कीजिएगा क्योंकि बैठे हुए अच्छे लगते हैं और भजन और भोजन दोनों बैठ कर ही अच्छे लगते हैं। आइए नंबर दो के माध्यम से बड़ी सुंदर बात लिखिए। क्यों कर लिया बाबा, एक एक पाई जोड़ करके बड़ा सुंदर सा जगराता किया, बहुत तैयार किया इसने आकर के स्वीकार कर। क्या कह रहा था सुनिएगा। सच्चा और अच्छा लग रहा था, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की। बोलिए सांवरे सरकार की, बाबा श्री बलदेव दास जी महाराज की। आइए एक बार हाथ सीधे सीधे उठा करके एक लाइन आप सभी भी गा दीजिए। क्या पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन से प्यारे घर आएंगे, पलके Thank you.
आइए भाई सीधे सीधे हाथ उठा करके ऊपर ऊपर ताली बजा करके आप सभी गा दीजिए। पीछे वालों कुछ करके खा लो, खा लो हाथ, आप ही ठालो माता बहनों। ये बात आप सभी ने नवरत्न रख रखे हैं और आप सभी सभी देवताओं को मानने वाले लोग बैठे हैं। सीधे सीधे हाथ उठा लो, हाँ बिल्कुल सीधे न्यू, जो जितने लंबे हाथ उठाएगा जितने सीधे हाथ उठाएगा उतनी जल्दी ऊपर भी जाएगा, तरक्की में जाएगा, है ना। माला माल हो जाओगे धनवान और बजा करके ताली गाजी दिए क्या। गैल बहू ने लाऊंगी, हाँ। ये हमारी बूटी बूटी माँ जी बैठी है, कितनी माता जी ऐसी बैठी है जिनको बालक सियाणा हो रहा है, प्याला आगे एक बार हाथ उठा के बता दो, हाँ बता दो, इनका कट जाओ रोग, एक बार उठा ले आप सीधे सीधे हाथ उठा करके बोलिए सच्चे दरबार की, आप ही गा दीजिए, है ना। गठजोड़े की लाल सहयो बिकवारा क्यों कर धीर धरू लाल सहयो बिकवारा क्यों कर धीर धरू Thank you.
लड़का सर या दुनिया तमाम यह दुनिया तमाशा देखे इस बात के ताने मारा सक जाने जो ब्याया जाएगा कि नहीं जाएगा, पर ऐसी कृपा कर दे मां तो इसकी सगाई हो जा। ए जो भाई लोग पीछे खड़े भाई आपसे बार बार निवेदन है, ये सारा कार्यक्रम करने वाले भी आप हैं, कराने वाले भी आप हैं, तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन था आगे आगे होकर के बैठ जाए। काफी अब तो काफी भीड़ बढ़ गई है, मैं तो सोच रहा था 10-20 आदमी में गाना पड़ेगा आज, लेकिन आपसे बेशक थोड़े हो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो माता बहन आई है आप लोगों के लिए भी भाई स्पेशल धन्यवाद दो, आज की रात्रि आप सभी कीर्तन में गुजारने के लिए आई है, भजन सुनने के लिए आई है, और आप ताली भी बजा रही है, जयकारे भी लगा रही है। नहीं गणेश जी का आमन मासिक कार्यक्रम में चला जाओ, ये माँ बहन नहीं सुने प्रोग्राम में, ये अपनी बतलाती रहेगी। आए काल सोनू की बहू के हुए हो पीढ़ी हो गाला की सोनू की बहू के तू तू अपना भजन क्यों नहीं सुना, लेकिन अच्छा लग रहा है आप जयकारे भी लगा रहे हैं ताली भी बजा रहे हैं। अभी ये काल परसों एक कार्यक्रम में चले गए थे हम, ओए दादी आगे आगे बैठी प्रोग्राम में आकर बहुत बुरो मुंडो कर रहा कुछ लड़काई करते मगो दादी ठीक ठाक आ। हाँ बोली भाई मैं ठीक, तू बता मगो मैं भी ठीक हूँ दादी, पर दादी तू जय नहीं बोला मैंने समझी भाई, ये मानती नहीं होगी माता सेरा वाली ने नहीं मानती होगी माँ, मगो एक बार जोरदार जयकारा लगा दे, बोलिए शंकर भगवान की। पर यार दादी नहीं बोली, तड़े कर रहा का हाथ जन कोई खेच ले इसने ऊपर में कदी बोली नहीं, मगो भाई ये शंकर भगवान ने भी नहीं माने माँ, तो माँ मैं एक बार फिर जयकारा लगा दिया, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। पर यो दादी नहीं बोली, चुप बैठी कतई, मगो यो घर ते लड़के आई से आज, मगो दादी सब ठीक ठाक तो घर ते लड़के तो नारी से बोली ना, फिर मगो तू जय क्यों नहीं बोला, नो बोली भाई नो बता पहली जो ये थारे जो पैसा आ रहा से इन्हें कौन ले जाओ, ओ दादी को ध्यान में दरबार में धरो, रुपया चढ़ रहा ना कि इन्हें कौन ले जाओ है कि यो ही विचार, मगो इन्हें तो ये गाड़िया बजाणिया ले जाएगा, तो नो बोली फिर जय भी यही बोलेगा आज भी नहीं ले जाएगा। पर दादी तब ना तो पैसा लिया ना देरी, जय तो कम से कम बोल नहीं सको, सो उठा के तुम हाथ जोरदार देखा ना, बोलिए सच्चे दरबार की बजा के ताली करवा दे सगाई एक लाइन भाई माता बहनों आप भी गा दीजिएगा, क्या कह रही थी भक्तनी में हमारी से जो कह लगी, मैं के बोलू मैया जी हो, मैं के बोलू मैया जी तन सब बातां का बेड़ा से, पिछले साल Thank you.
इस संसार के अंदर 33 कोटि प्रकार के देव हैं, लेकिन संसार के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है। माँ जब भी जीव संसार के अंदर आता है सबसे पहले माँ मिलती है। एक माँ के जितने उपकार एक बच्चे के ऊपर होते हैं शायद ही किसी पे होते होंगे। माँ तेरी बड़ी अच्छी कृपा है, तेरी कृपा से सब चीज की मौज है। नंबर 3 के माध्यम से नियुक्त करने की माँ किस नाम से पुकारते हैं तुझे, क्या कह रही थी सुनिए। हाय मनसा पूरी करने आली तू ही चंडिका काली, मनसा पूरी करने आली तू ही चंडिका काली, हमारे प्यारे करते मैया तेरे हाथ में थाली, जब मेरे ये सारे काम हो जाएंगे फिर तेरे नगर कोट के दरबार आऊंगी, बड़ा सुंदर भंडारा करूंगी, और जैसा कीर्तन आज यहाँ हो रहा है इससे भी अच्छा मैं कीर्तन करा दूंगी, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बुला करके और पूरी रात भजन गवा दूंगी। माँ एक बार जैसे कुटेड़ा में भजन करवाए थे इस तरह के अच्छे अच्छे भजन करवा दूंगी, क्या कह रही थी सुनिएगा। सारी कार्य करके मैया हर दर्शन ने आवांगे, सारी कार्य करके मैया हर दर्शन ने आवांगे, जागरण करवावांगे, कृष्ण लाल ब्राह्मण पेमा जागरण करवावांगे, रस सुरीले ये 2-3 भजन आपने मेरे सुने में जरा से भी सच्चे और अच्छे लगे तो एक बार जोरदार ताली बजा दे आप सभी, और एक बार सीधे सीधे हाथ उठा करके जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की जय, और ये माता मैंने थारी ऊपर ऊपर ताली बजा कर जब तक ये ढोलक बाजे थारे हाथ ने सीधा हाँ यू कोई ना खेचे ऊपर ने बाजन दो गठ जोड़े की बच्ची भी नाच के हाजिर लगाना चाहती है, एक बार हाथ उठाओ जो नाच के हाजिर लगाएंगी, नाच के होने दो माता रानी के दरबार में, कुछ नहीं कहेंगे भगवान वाली कोई बात नहीं है, पिछली बार भी आनंद लिए थे ना वैसे ही, ये बात ये कैमरा दिल्ली तक आपकी बात को ले जाएगा भाई, इन बच्चों का सील लेना भाई है ना, नाच के होने दो आ जाओ मेरा नाचने जी, मेरा नाचने जी
पीछे जो हमारी बहन जी खड़ी है, बहन जी आपकी इधर व्यवस्था कर रखी है बैठने की, इधर और माता बहने बैठी है, इधर आकर के बैठ जाएं आप सभी। ये जो भाई लोग खड़े हैं, काका कम का तो मैं तारी पीटी पकड़ लियो है, तारा पान पकड़ो, बैठे क्यों नहीं आप, बैठोगे, बैठ जाओ आप सभी। आइए नंबर दो के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कहता है भक्त, क्या निवेदन करते, देखिए बड़ा सुंदर सा कीर्तन आप सभी की वजह से किया जा रहा है, तो आज की रात्रि आप सभी बैठ करके आज के कीर्तन का आनंद उठाएं। ये छोटा बच्चा जो कुर्सी पे बैठा है, ये कुर्सी हटा दो ना, पीछे कर दो, हाँ आप सभी आगे आकर के बैठे, माता बहनों के लिए इधर बैठने की जगह है, क्या लिखा सुनिएगा। We'll be right back.
आखिरी बात में बड़ी सुंदर बात कहते हैं ये माता है मैंने बताई ठीक ठाक तो ना करते तो राजी खुशी आयु लड़ झगड़ के तो नहीं आई ना एक पर जयकार लगा दो बोलिए सच्चे दरबार की ये बात बड़े बुजुर्ग कह के भाई एक हाथ से नारा दोनों हाथों से जयकारा जब तक भी आपका मन करे जब तक कीर्तन में आप बैठेंगी तो श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ उठा करके जोरदार जयकारा के साथ आज के कीर्तन को प्रारंभ करेंगे। आइए ये हमारे अजीज रिश्तेदार हैं सतन सिंह जी आप समय समय पे दर्शन देते रहते हैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद। आइए उठा के दोनों हाथ जोरदार जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की और मीठी मीठी चाली बजा करके आप सभी भी गा दीजिए क्या सिर्फ एक बार मनाया जाता है उनके बाद बारी बारी से आप सभी देवी देवताओं के भजन सुनेंगे
आइए अब जो जो गणेश जी भगवान को मानती है जितनी भी माता बहने श्रोता बंधु बैठे एक बार भाई सीधे सीधे हाथ उठा लो आप सभी उठा लो और तालियों के साथ आ जाओ Thank you.